नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ करियर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था नेसेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मींस व्हाई कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन एयरक्राफ्ट, एंड आल्सो डिस्कस्ड मेथड ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम्स। इसी सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट और वी कैन से एयरप्लेन कूलिंग सिस्टम का फर्स्ट एवं बेसिक मेथड है। पर इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, ओपन बेल कोलमैन साइकिल एंड एक्चुअल बेल कोलमैन साइकिल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं या ये टॉपिक आप भूल गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टॉपिक्स पर बने वीडियो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, सो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के टॉपिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वर्किंग ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम विथ टीए डायग्राम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर लाइक COP, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, पावर आउटपुट ETC। सेकेंड पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल ऑन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम एंड आई विल गिव यू असाइनमेंट न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस। तो आई स्टार्ट करते हैं सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम इज एन ओपन एयर कूलिंग सिस्टम विच वर्क्स ऑन ओपन रिवर्स बेटॉन साइकिल और वी कैन से ओपन बेल कोलमैन साइकिल। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम एक ओपन एयर कूलिंग सिस्टम है जो ओपन बेल कोलमैन साइकिल पर वर्क करती है। इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम वन मेन कंप्रेसर, वन हीट एक्सचेंजर, वन कूलिंग टर्बाइन एंड अ कूलिंग फैन इज यूज टू ऑपरेट द साइकिल। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम ओपन बेल कोलमैन साइकिल पर वर्क करती है और ओपन बेल कोलमैन साइकिल को ऑपरेट करने के लिए सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में एक मेन कंप्रेसर, एक हीट एक्सचेंजर, एक कूलिंग टर्बाइन और एक कूलिंग फैन यूज होता है। ओके, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम इज यूज फॉर लो स्पीड लो फ्लाइट पैसेंजर एरोप्लेन्स। जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है ये लो स्पीड लो फ्लाइट पैसेंजर एरोप्लेन्स में यूज होता है एयरक्राफ्ट कूलिंग के लिए। नाउ, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा कि सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में एक मेन कंप्रेसर, एक हीट एक्सचेंजर, एक कूलिंग टर्बाइन और एक कूलिंग फैन यूज होता है, तो दीज आर दी मेन कंपोनेंट। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इन चार कंपोनेंट के बारे में। सो फर्स्ट मेन कंपोनेंट इज मेन कंप्रेसर। मेन कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय गैस टर्बाइन ऑफ द इंजन। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में जो मेन कंप्रेसर है वो गैस टर्बाइन इंजन में ही लगा होता है और गैस टर्बाइन के द्वारा ही ये चलता है, ठीक है। नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज हीट एक्सचेंजर विच इज यूज टू रिजेक्ट द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू कूल द कंप्रेस्ड एयर। थर्ड कंपोनेंट इज कूलिंग टर्बाइन विच इज यूज टू एक्सपेंड द एयर अप टू द केबिन प्रेशर सो दैट द एयर कैन बी सप्लाई टू द एयरक्राफ्ट केबिन फॉर द कूलिंग। एंड लास्ट कंपोनेंट इज कूलिंग फैन विच इज यूज टू सर्कुलेट द रैम्ड एयर इन टू द हीट एक्सचेंजर। सो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑन विच वर्किंग ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम इज बेस्ड। नाउ अब डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम की वर्किंग को हम ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे और साथ ही साथ हम टीए डायग्राम भी बनाते जाएंगे। ब्लॉक डायग्राम को मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करता जाऊँगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर टीए डायग्राम को भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग एयरक्राफ्ट का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसमें आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट इंजन के बेसिक कंपोनेंट यहाँ पर मेंशन है, मेन कंप्रेसर, कंबसन चैम्बर एंड गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन से ही हमारी पावर प्रोड्यूस होती है और गैस टर्बाइन के पावर से ही हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, और उसी पावर से, उसी गैस टर्बाइन के पावर से हमारा मेन कंप्रेसर भी रन करता है। और मेन कंप्रेसर हमारा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का फर्स्ट मेन कंपोनेंट है, ठीक है। नाउ हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है,
और हम जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है उसी रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एयर एम्बिएंट एयर भी फ्लो करती है। तो हमने मान लिया कि वी वेलोसिटी से ही हमारी एम्बिएंट एयर एयरक्राफ्ट के अलोंग वी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। नेसेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ट्रोपोस्फियर में 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है जहाँ पर प्रेशर 0.15 बार होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार से बहुत कम होता है और टेम्परेचर अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि नॉर्मल कंफर्ट टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो एम्बिएंट एयर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर होगा तो उसको हमने मान लिया कि P1 और T1 है जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.15 बार और -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम्बिएंट एयर का प्रेशर P1 मान लेते हैं और टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है वो एम्बिएंट एयर से ही स्टार्ट होती है। सो हम TS डायग्राम में एम्बिएंट एयर के कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एम्बिएंट एयर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हम TS डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन फॉर एम्बिएंट एयर। नाउ जब हमारी एयर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करती है तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में नेसेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में मैंने डिस्कस किया है कि जब हमारी एयर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करती है तो ड्यूरिंग द एंट्रेंस एक नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस होता है जिसे हम रैमिंग प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस में एम्बिएंट एयर की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी और एंथैल्पी में कन्वर्ट होती है जिसकी वजह से एम्बिएंट एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर जाता है। तो आपको याद रखना है जब भी एम्बिएंट एयर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करती है तो एक नेचुरल रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है जिसे हम रैमिंग प्रोसेस कहते हैं जिसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी और एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का पहला प्रोसेस होगा रैमिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस 1-2। ठीक है, तो TS डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एम्बिएंट एयर का कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर ली थी। ठीक है, नाउ जब हमारा रैमिंग प्रोसेस होगा तो एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज प्रेशर यानी कि रैम्ड प्रेशर P2 को हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब रैमिंग प्रोसेस होगा तो प्रेशर हमारा P1 से किसी पर्टिकुलर प्रेशर P2 तक इंक्रीज करेगा ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P2 प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन रिक्वायर्ड होगी जैसा कि मैंने आपको बेल कोलोमन साइकिल के TS डायग्राम में समझाया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है या भूल गए हैं तो पिछली वीडियोस को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम रैमिंग प्रोसेस को ड्रॉ करने के लिए पहले हम जो P2 प्रेशर है उसके लिए हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने P2 प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करी और दिस इज फर्स्ट प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द एंट्रेंस विच इज कॉल्ड द रैमिंग प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है कंप्रेसर में वो हमारा नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन जो रैमिंग के दौरान जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, रैमिंग में नेचुरल कंप्रेशन होता है। नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंप्रेशन होता ही है, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसर में हम वर्क इनपुट कम देंगे तो कंप्रेशन कम होगा। ठीक है, वर्क इनपुट ज़्यादा देंगे तो कंप्रेशन ज़्यादा होगा, कंप्रेसर का साइज इंक्रीज कर देंगे तो कंप्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो जो कंप्रेसर में जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो हमारा नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रैमिंग प्रोसेस जो है ये हमारा नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस है जो कि जब भी हमारा कोई वर्किंग फ्लूड किसी भी इंट्रेंस या किसी भी डक्ट में इंटर करेगा तो कंप्रेशन होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस है, लेकिन इसको हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक मान रहे हैं। तो चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो जो हमारी 1 पॉइंट पर एंट्रोपी होगी वही हमारी 2 पॉइंट पर एंट्रोपी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइन P1 प्रेशर से P2 प्रेशर तक हम यहाँ पर खींच देंगे। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस और वी कैन से रैमिंग प्रोसेस, जिसमें हमारा प्रेशर P1 से P2 इंक्रीज कर जाएगा और टेम्परेचर हमारा T1 से T2। ये तो हमारा आइडियल रैमिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक्चुअल रैमिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है जितना इंक्रीज होना चाहिए रैमिंग प्रोसेस के दौरान उतना इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर एक प्रेशर ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर ड्रॉप है वो P2 डैश है,
तो यहाँ पर हम एक पी टू डैश के लिए कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन फॉर पी टू डैश प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस ड्रॉ कर देते हैं, प्रोसेस वन टू टू डैश। अब जो टू डैश पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा और टू पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप के दौरान रैमिंग प्रोसेस में जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्रेशर तो घटेगा लेकिन टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन टेम्परेचर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टू पॉइंट पर टेम्परेचर होगा वही टू डैश पॉइंट पर टेम्परेचर होगा, यानी टी टू विल बी इक्वल टू टी टू डैश विच इज कॉल्ड द स्टैग्नेशन टेम्परेचर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो अगर हम एक्चुअल रैमिंग प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, यानी कि प्रोसेस वन टू टू डैश को कंसिडर करते हैं, तो रैमिंग प्रोसेस में हमें पी टू डैश प्रेशर की रैम्ड एयर मिलेगी। इस पी टू डैश प्रेशर की रैम्ड एयर को हम मेन कंप्रेसर में भेजेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारी रैम्ड एयर रिवर्सबल एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होगी अप टू प्रेशर P3, यानी कि सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यानी कि सेकेंड प्रोसेस होगा रिवर्सबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 2-3, जिसमें हमारी रैम्ड एयर P3 प्रेशर तक कंप्रेस होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर टीएस डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें P3 प्रेशर की कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम P3 प्रेशर की कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन फॉर प्रेशर P3, ओके। नाउ हम लोग प्रोसेस ड्रॉ कर देते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्सबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है ना, यानी कि जो टू डैश पॉइंट पे एंट्रोपी होगी वही थ्री पॉइंट पे एंट्रोपी होगी। तो हम क्या करेंगे, टू डैश पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कहाँ तक खींचेंगे, P3 प्रेशर की कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन तक हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और P3 प्रेशर की कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन जहाँ पे कट करेगी वो हमारा पॉइंट थ्री होगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज सेकेंड प्रोसेस, प्रोसेस 2-3 रिवर्सबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस इन मेन कंप्रेसर, जिसमें हमारी P2- प्रेशर की रैम एयर P3 प्रेशर तक कंप्रेस होगी, ठीक है ना, जिसमें हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि मेन कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। ये वर्क इनपुट कहाँ से हम सप्लाई करेंगे, गैस टरबाइन से सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज योर सेकेंड प्रोसेस, रिवर्सबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 2-3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इररिवर्सिबिलिटी को काउंट करें, यानी कि अगर हमें यहाँ पर कंप्रेसर की इफिशंसी गिवन होगी, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कंप्रेसर इफिशंसी गिवन है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल प्रोसेस ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो जाएगा, 2-3, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपको रिवाइज नहीं हो रहा है, अगर आप भूल गए हैं तो, क्योंकि बिना रिवाइज किए बिना याद किए आप इस टॉपिक के टीएस डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, आइडियल प्रोसेस कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पिछला टॉपिक एक्चुअल बेल कोलोमन साइकिल का टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक को फाइंड आउट करके टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस। सो दिस इज योर एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस 2-3, ठीक है। और इस एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस को ड्रॉ तभी करेंगे जब हमें कंप्रेसर की इफिशंसी गिवन होगी, अदरवाइज हम एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ हम आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस यानी कि रिवर्सबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस 2-3 को ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए कंप्रेशन प्रोसेस के बाद जो हमें कंप्रेस्ड एयर मिलेगी P3 प्रेशर की, जो कंप्रेस्ड एयर मिलेगी, उस कंप्रेस्ड एयर को हम कहाँ भेजेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंजर में एक तरफ यहाँ पर जो रैम एयर है, इस रैम एयर को हम सप्लाई करेंगे। क्यों सप्लाई करेंगे, क्योंकि रैम एयर का टेम्परेचर जो होगा वो कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर से बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैम एयर है वो एक प्रकार से कूलिंग मीडियम का काम करेगी, ठीक है। तो इस रैम एयर को सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कूलिंग फैन लगाते हैं। जब ये कूलिंग फैन रन करता है तो यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो रैम एयर है वो इस हीट एक्सचेंजर में फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर
हीट एक्सचेंजर में इधर से रैम एयर फ्लो करेगी और दूसरी तरफ से यानी कि जो हमारी यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, इन कॉइल से हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है पी थ्री प्रेशर की जो कंप्रेस्ड एयर है वो फ्लो होगी। जब हमारी कंप्रेस्ड एयर इस हीट एक्सचेंजर की कॉइल से फ्लो करेगी तो क्या होगा, हमारी कंप्रेस्ड एयर की जो हीट है वो रैम एयर में ट्रांसफ़र होगी कांस्टेंट प्रेशर पे और हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का नेक्स्ट प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस 3-4। तो आई ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज़ योर प्रोसेस, यहाँ 3- से हम स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट प्रेशर लाइन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर 4 पॉइंट तक हम जाएंगे। तो 3-4 इज़ द थर्ड प्रोसेस ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर, जिसमें हमारी कंप्रेस्ड एयर जो है वो ठंडी होगी, कहाँ तक ठंडी होगी, T4 टेम्परेचर तक ठंडी होगी और जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P4 प्रेशर विल बी इक्वल टू P3। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट रिजेक्शन होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंजर में कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने के बाद हम एयर को नेक्स्ट कंपोनेंट में भेजेंगे, दैट इज कॉल्ड द टर्बाइन। तो आई ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कूलिंग टर्बाइन। अब कूलिंग टर्बाइन का क्या काम होता है, कूलिंग टर्बाइन का काम होता है कि जिस प्रेशर की एयर हीट एक्सचेंजर से मिल रही है उस प्रेशर की एयर को केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करना। टर्बाइन का काम क्या है, टर्बाइन का काम ठंडा करना नहीं है, टर्बाइन का काम होता है जिस प्रेशर की एयर टर्बाइन को मिल रही है उसको डिजायर प्रेशर तक एक्सपेंड करना। और सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के लिए डिजायर प्रेशर कितना है, केबिन प्रेशर। केबिन प्रेशर कितना होगा, 1 bar। मैंने आपको डिस्कस किया है नेसेसिटी ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम में, मैंने डिस्कस किया है कि केबिन के अंदर कितना प्रेशर चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है। तो केबिन के अंदर 1 bar प्रेशर चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि 1 bar प्रेशर इज़ अ कंफर्ट प्रेशर, यानी कि 1 bar प्रेशर पे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंफर्ट फील करती है, 1 bar प्रेशर पे ही हमारी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है ना। तो केबिन के अंदर 1 bar प्रेशर होना चाहिए। तो टर्बाइन का काम क्या है कि जिस प्रेशर की एयर हीट एक्सचेंजर से मिलेगी उसको केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करना। तो टर्बाइन क्या करेगा, जो P3 प्रेशर या कह सकते हैं P4 प्रेशर की जो हमें एयर मिलेगी उसको केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करना। तो पहले अगर हमें केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करना है तो पहले हमें TS डायग्राम में केबिन प्रेशर के लिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज़ योर कांस्टेंट प्रेशर लाइन फॉर केबिन प्रेशर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, P4 प्रेशर से हम क्या करेंगे, केबिन प्रेशर तक हम एयर को एक्सपेंड करेंगे। और टर्बाइन में कैसा एक्सपेंशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। आपको याद रखना है टर्बाइन और कंप्रेसर ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें हमेशा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, थ्योरेटिकली यानी कि आइडियली, एक्चुअली तो हमारा इररिवर्सिबल कंप्रेशन होता है, ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। और हमने ओपन बेल कोलमन साइकिल में भी डिस्कस किया है कि आइडियल प्रोसेस तो एक्चुअल में होते ही नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं कि टर्बाइन और कंप्रेसर में हमेशा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे नीचे की ओर, कहाँ तक खींचेंगे, केबिन प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन तक हम खींचेंगे। और जहाँ पर केबिन प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे कट कर जाएगा वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट 5। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन कूलिंग टर्बाइन, प्रोसेस 4-5, ठीक है। तो एंड 4-5 इज द एक्चुअल एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर आपको टर्बाइन की इफिशंसी गिवन होगी तो हमें यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंशन प्रोसेस को ड्रा करना होता है, ठीक है ना। तो 4-5 इज द आइडियल एक्सपेंशन प्रोसेस इन कूलिंग टर्बाइन एंड 4-5 इज द एक्चुअल एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन, ठीक है। कूलिंग टर्बाइन के द्वारा केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करने के बाद हमें जो चिल्ड एयर मिलेगी उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, केबिन में भेज देंगे, जहाँ पर जो एयर है वो केबिन से हीट को एब्जॉर्ब करके केबिन में कूलिंग इफेक्ट
क्रिएट करती है. तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा कहाँ पर, केबिन के अंदर, दैट इज प्रोसेस 5-6 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन इन केबिन, ठीक है, या कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन केबिन. सो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारा कूलिंग प्रोसेस, और वी कैन से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, और वी कैन से कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन इन केबिन, दैट इज प्रोसेस 5-6, जिसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होगी और जो हमारा एयरक्राफ्ट का केबिन है वो ठंडा होगा, यानी कि एयरक्राफ्ट के केबिन में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगी, ठीक है. और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करने के बाद 6 पॉइंट से जो हमारी एयर है वो एयरक्राफ्ट केबिन से एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी और हमारी यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, फिर से नई फ्रेश एयर, नई फ्रेश एम्बियंट एयर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करेगी. जब हमारी एम्बियंट एयर एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करेगी तो नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस होगा, जिसे हम रैमिंग प्रोसेस कहते हैं, जिस दौरान हमारी जो एम्बियंट एयर की काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी और एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और हमारे एम्बियंट एयर का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. रैमिंग प्रोसेस के बाद जो हमें रैम्ड एयर मिलेगी उसको हम मेन कंप्रेसर में ट्रांसफ़र करेंगे. मेन कंप्रेसर क्या करेगा, रैम्ड एयर को हाई प्रेशर P3 प्रेशर तक रिवर्सिबल एडियाबेटिकली कंप्रेस करेगा. जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो हमें एयर मिलेगी, कंप्रेस्ड एयर मिलेगी, उसको हम हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे, जिसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा और हमारी जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंप्रेस्ड एयर है वो ठंडी हो जाएगी. कहाँ तक ठंडी होगी, T4 टेम्परेचर तक ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि P3=P4 रहेगा, ठीक है. T4 टेम्परेचर तक कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने के बाद इस एयर को हम क्या करेंगे, टरबाइन में एक्सपेंड कराएंगे. कहाँ तक एक्सपेंड कराएंगे, केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड कराएंगे. क्यों, क्योंकि टरबाइन का काम ही यही है कि केबिन प्रेशर तक एयर को एक्सपेंड कराना, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर के बाद जो हमें T4 टेम्परेचर की एयर मिलेगी इसको हम केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करेंगे. केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करने के बाद जो हमें चिल्ड एयर मिलेगी उसको हम केबिन में ट्रांसफ़र कर देंगे. केबिन में हमारी जो ये चिल्ड एयर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और केबिन के अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करेगी. कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के बाद जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी और हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारा ये सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम ऑपरेट होता रहेगा और हमारा एयरक्राफ्ट केबिन के अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता रहेगा और हमारा केबिन ठंडा हो जाएगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम एंड टीयर डायग्राम. नाउ अब डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, जिसमें पहला पॉइंट है रैमिंग प्रोसेस, जिसको मैं पिछली वीडियो नेसेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में डिस्कस कर चुका हूँ और अभी मैंने वर्किंग में भी डिस्कस किया है कि रैमिंग प्रोसेस क्या होता है. रैमिंग प्रोसेस इज द नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ द एयर इन द डक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी कि जब हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, एम्बियंट एयर एयरक्राफ्ट के डक्ट में इंटर करती है तो ड्यूरिंग द एंट्रेंस एक कंप्रेशन प्रोसेस होता है और इसी कंप्रेशन प्रोसेस को हम रैमिंग कहते हैं, ठीक है. और रैमिंग प्रोसेस के दौरान हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है एयर की वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना. सो रैमिंग प्रोसेस इज द नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ द एयर इन द डक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ओके. सो नाउ रैमिंग एफिशिएंसी, ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. रैमिंग एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रैमिंग एफिशिएंसी गिवन होगी, यानी कि रैमिंग प्रोसेस के दौरान अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो उस प्रेशर ड्रॉप को फाइंड आउट करने के लिए आपको रैमिंग एफिशिएंसी गिवन होगी और रैमिंग एफिशिएंसी की हेल्प से ही हम जो प्रेशर ड्रॉप P2- है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैमिंग एफिशिएंसी, सो रैमिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल राइज इन प्रेशर टू द आइसेंट्रोपिक राइज इन प्रेशर, यानी कि ड्यूरिंग द रैमिंग प्रोसेस एक्चुअल में कितना प्रेशर राइज हो रहा है, यानी कि 1 to P1 to P2 जो ये हमारा एक्चुअल राइज है और आइसेंट्रोपिक यानी कि आइडियल प्रेशर राइज कितना है, P1 to P2 जो हमारा प्रेशर राइज है ये हमारा आइडियल प्रेशर राइज है ड्यू टू आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है. और P1 to P2 ये जो प्रेशर राइज है हमारा ये एक्चुअल प्रेशर राइज है. सो
रैमिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल राइज इन प्रेशर टू द आइसेंट्रोपिक राइज इन, यानी कि आइडियल राइज इन प्रेशर। ठीक है, तो एक्चुअल राइज इन प्रेशर कितना है? एक्चुअल राइज इन प्रेशर है P2-P1 एंड आइडियल राइज इन प्रेशर कितना है? P2-P1। सो रैमिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू P2-P1 अपॉन P2-P1। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी एक ट्रिक और है इस फॉर्मूले को याद करने की, जिसको मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूँ, कि एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होती है, ये सभी को पता होगा। और एफिशिएंसी की वैल्यू एक से कम तभी होगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा होगी, यानी कि हर की वैल्यू अंश से ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस में जो प्रेशर राइज हो रहा है P1 से P2 ये कम है, और जो आइडियल प्रोसेस में जो प्रेशर राइज हो रहा है P1 से P2 वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे आएगी और कम वाली वैल्यू ऊपर आएगी। तो आप बस डायग्राम में देखिए, और जिसकी लेंथ, जिस प्रोसेस की लेंथ कम है उसको ऊपर रखना है, जिस प्रोसेस की लेंथ ज़्यादा है उसको नीचे रखना है। तो रैमिंग प्रोसेस में आइडियल रैमिंग प्रोसेस की जो लाइन होगी वो बड़ी होती है और एक्चुअल प्रोसेस की लाइन छोटी होती है, यानी नीचे होता है वो प्रोसेस। तो नीचे वाले प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस कम होगा, वो ऊपर आएगा, ऊपर वाले प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, तो प्रेशर डिफरेंस नीचे आएगा। ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे रखनी है, कम वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, तभी हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू एक से कम आएगी। ठीक है, इसीलिए रैमिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल राइज इन प्रेशर अपॉन आइडियल राइज इन प्रेशर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैग्नेशन टेम्परेचर, जिसको हम T2 भी बोलते हैं या T2- भी बोलते हैं। क्या होता है स्टैग्नेशन टेम्परेचर? सो स्टैग्नेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग इन टू द मेन कंप्रेसर इज कॉल्ड द स्टैग्नेशन टेम्परेचर। स्टैग्नेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है एयर का जिस टेम्परेचर पे हमारी एयर मेन कंप्रेसर में इंटर करती है, उसे हम स्टैग्नेशन टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम T2 से डिनोट करते हैं या फिर T2- से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वही T2- पॉइंट पे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। प्रेशर रैमिंग प्रोसेस में प्रेशर ड्रॉप होने पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। तो T2 टेम्परेचर और T2- टेम्परेचर को हम स्टैग्नेशन टेम्परेचर कहते हैं। और व्हाट स्टैग्नेशन टेम्परेचर? स्टैग्नेशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग टू द मेन कंप्रेसर। ठीक है, नाउ अगर हमें T2 टेम्परेचर नहीं गिवन है तो T2 टेम्परेचर यानी कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक है वेलोसिटी के टर्म में, दूसरा है मैक नंबर के टर्म में। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे T2=T1+V²/2000×CP, जहां पर जो V है ये है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में आपको किलोमीटर पर आर में आपको एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी दी गई होगी, उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में रखना है। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू 1.005 होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है ना, तो आपको सीपी की वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन में ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सीपी की वैल्यू आपको किलो जूल पर केजी केल्विन में रखनी है और एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकेंड में रखना है। ठीक है, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को की वैल्यू पुट करके और सीपी की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर T2 यानी कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी नहीं गिवन है और अगर हमें मैक नंबर गिवन है, व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ एयरक्राफ्ट वेलोसिटी टू द साउंड वेलोसिटी, यानी कि साउंड की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसे हम मैक नंबर कहते हैं, इसको हम एम से इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर आपको मैक नंबर दिया गया है तो हम स्टैग्नेशन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, यानी कि टू पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है T2/T1=1+γ-1/γ m². ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर स्टैग्नेशन टेम्परेचर टू पॉइंट पे निकाल लेंगे, यानी कि T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब इन एयरप्लेन केबिन। जो हीट एयरप्लेन केबिन के अंदर एब्जॉर्ब होती है उसी हीट की वजह से एयरप्लेन केबिन के अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, जिसको हम कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज नोन एज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पूछेगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब।
ठीक है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस 5-6 प्रोसेस में होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब इन केबिन। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू सीपी इनटू T6 माइनस T5 डैश, यानी कि 5-6 प्रोसेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो हम टेम्परेचर डिफरेंस दे लेंगे, सीपी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पर केजी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब निकल आएगा, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू सीपी इनटू T6 माइनस T5 डैश विल बी नोन एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन किलो जूल पर केजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इनटू हीट एब्जॉर्ब अपॉन 211 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि अगर हम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब में मास फ्लो रेट ऑफ द एयर का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसमें हम 211 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम 211 से डिवाइड नहीं करेंगे तो भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी हमारी कैपेसिटी कहलाएगी, लेकिन वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में नहीं होगी, ठीक है, जबकि कैपेसिटी की यूनिट किस में होती है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में होती है। तो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 211 से डिवाइड करना होता है। अगर हम 211 से डिवाइड करेंगे तो जो मास फ्लो रेट होगा वो केजी पर मिनट में होगा, ठीक है, और अगर हम 211 की जगह पर 3.5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि दो तरीके हैं कैपेसिटी निकालने के लिए, अगर हम कैपेसिटी में 211 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा मास फ्लो रेट किस में होगा, केजी पर मिनट में होगा, और अगर हमारा मास फ्लो रेट केजी पर मिनट की जगह पर केजी पर सेकंड में होगा तो हम 3.5 से डिवाइड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालने के दौरान हमें किस वैल्यू से डिवाइड करना है वो डिपेंड करेगा कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर किस में दिया गया है या मास फ्लो रेट ऑफ एयर किस में निकालना है। अगर केजी पर मिनट में दिया गया है या केजी पर मिनट में निकालना है तो हम 211 से डिवाइड करेंगे, और अगर केजी पर सेकंड में दिया गया है या केजी पर सेकंड में निकालना है तो हम 3.5 से डिवाइड करेंगे। तो कैपेसिटी के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। जनरली आपको न्यूमेरिकल में कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम दिया गया होगा, 10 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, 15 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, आपको इस तरीके से वैल्यू दी गई होगी। तो कैपेसिटी का जो यूज़ है वो जनरली मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए होता है। जनरली जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे आगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको कैपेसिटी दी गई होगी, और जब भी कैपेसिटी दी गई होगी तो हम कैपेसिटी की वैल्यू से हम मास फ्लो रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मास फ्लो रेट। तो कैपेसिटी का यूज़ केवल और केवल मास फ्लो रेट निकालने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटी दी गई है तो मास फ्लो रेट निकालेंगे, और अगर आपको सिस्टम की कैपेसिटी नहीं दी गई है तो हम मास फ्लो रेट नहीं निकालेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो मास फ्लो रेट निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल में मास फ्लो रेट दिया गया है और क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछ लिया गया है तब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल्स में कैपेसिटी दिया गया होता है और हम कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं, और जब मास फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम पावर निकालेंगे, पावर इनपुट इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है हमारा पावर रिक्वायर्ड इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तो जनरली पावर किस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है, तो कंप्रेशन प्रोसेस में हमारी पावर रिक्वायर्ड होती है, यानी मेन कंप्रेसर में जो हम वर्क इनपुट देते हैं उसी को हम कहते हैं पावर रिक्वायर्ड इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तो मेन कंप्रेसर में जो वर्क इनपुट हम दे रहे हैं पर किलो जूल पर केजी में जो हम वर्क इनपुट दे रहे हैं उसमें अगर हम मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा पावर रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट हमें किस प्रोसेस में देना पड़ रहा है, तो 2-3 प्रोसेस में हमें वर्क इनपुट दे रहा है अगर हम एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर हम आइडियल प्रोसेस कंसीडर करेंगे तो प्रोसेस 2-3 में हमें वर्क इनपुट देना पड़ रहा है।
तो जिस भी अगर हमें कंप्रेसर एफिशिएंसी दी गई होगी तो हम एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दी गई होगी तो एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कितना राइज हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा T2- से T3- तक इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिफरेंस इनटू सीपी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क इनपुट पर केजी आ जाएगा। उसमें मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर रिक्वायर्ड का, पावर रिक्वायर्ड इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, जो कि हम कैपेसिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे, इनटू वर्क इनपुट इन कंप्रेसर, नोन एज द पावर रिक्वायर्ड इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये हमारा टोटल फॉर्मूला हो गया। वर्क इनपुट का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इनटू T3- T2-, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी समझाया, ठीक है ना। नाउ लास्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तो जनरल फार्मूला सबको पता होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जनरल फार्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट, जो कि हम हर जगह हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद न्यूमेरिकल ऑन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।